क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी लसित मलिंगा को एक तूफानी गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको बता दो, फिलहाल श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड की T20 सीरीज चल रही है। दोस्तों आपको बता दो, इसी के लिए तीसरे T20 मुकाबले में जो कि श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, दोस्तों आपको बता दो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 125 रन लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम। दोस्तों आपको बता दो, न्यूजीलैंड की शुरुआत तो काफी अच्छी थी लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तूफानी गेंदबाज लसित मलिंगा। दोस्तों आपको बता दो, लसित मलिंगा ने दूसरे ओवर में ही आकर अपनी धाकड़ गेंदबाजी का जलवा दिखाया और पूरे मैदान पर अपना दहशत फैला दिया। दोस्तों आपको बता दो, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर पहले तो लसित मलिंगा ने कॉलिन मुनरो को आउट किया, तीसरी गेंद पर भी एक विकेट ले ली और चौथी गेंद पर भी एक तूफानी विकेट ले ली। दोस्तों आपको बता दो, ऐसे कर तीन गेंदों पर तीन विकेट हैट्रिक ले लिए थे लसित मलिंगा ने, लेकिन इतने से भी लसित मलिंगा का दिल नहीं भरा था। दोस्तों आपको बता दो, ओवर की आखिरी गेंद पर भी लसित मलिंगा ने बोल्ड कर दिया, जिसमें चार गेंदों पर लसित मलिंगा ने चार बड़े विकेट उखाड़ दिए न्यूजीलैंड के। दोस्तों आपको बता दो, इस पूरे मुकाबले में लसित मलिंगा ने पांच बड़े विकेट झटके थे। साथ ही साथ इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम हार गई श्रीलंका के खिलाफ और लसित मलिंगा को तूफानी गेंदबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों आपको बता दो, इस मुकाबले में लसित मलिंगा ने अपना पांचवा T20 हैट्रिक ले लिया है। इसमें लसित मलिंगा एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने इतने हैट्रिक विकेट लिए हैं। दोस्तों आपको लसित मलिंगा की ये तूफानी गेंदबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसे ही क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।